हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे माय लास्ट टचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोयम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोयम की डिटेल्स देखेंगे। तो डिटेल्स में जो पोयम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्मेट में है। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, तो दो लोग होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। और जो लिसनर होता है वो कोई बात नहीं बोलता, जबकि स्पीकर बोलता रहता है। और उस पहले पर्सन की यानी कि स्पीकर की बातों से ये लगता है कि स्पीकर भी कोई रेस्पॉन्स दे रहा है और वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन मौजूद है, मतलब लिसनर मौजूद है वहाँ पे। उसकी प्रेजेंस को दिखाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकर के वर्ड्स के थ्रू। यानी कि यहाँ पर एक ड्यूक है, ड्यूक का मतलब एक कोई सामंत जैसा मान लीजिए आप, और एक कोई मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया है नेबरिंग कंट्री का कोई मैसेंजर, तो वो लिसनर है। अब ड्यूक ही बोलेगा, यहाँ पर लिसनर नहीं बोलता, लेकिन उसकी स्पीच के थ्रू ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई मैसेंजर प्रेजेंट है। तो ये हुआ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ये जो ड्यूक है, इसने अपनी लेट वाइफ को यानी कि पहले वाली वाइफ को मर्डर कर दिया है 17 ईयर की एज में ही, और 3 साल उनके मैरिज को हुए थे उसके बाद ही में। और वो चाहता है कि अब वो एक दूसरी लड़की से शादी करे, इसके लिए वो मैरिज प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये पोएम जो है ना, सबसे पहले ड्रामेटिक लिरिक्स में 1842 में लिखी गई थी। फिर इसको दोबारा से इंक्लूड किया गया ड्रामेटिक रोमांसेस नाम के कलेक्शन में 1863 में। और पोएम का ओरिजिनल टाइटल जो था वो था इटली एंड फ्रांस। फिर बाद में इसको लेटर ऑन चेंज करके जो आज हम पढ़ रहे हैं माय लास्ट टचेस, ये कर दिया गया था। सेटिंग जो है इसकी इटली में है 16th century में। और स्पेसिफिक अगर बात करी जाए कि कहाँ पर है, कौन सी जगह है, तो ड्यूक ऑफ फेरेरा, जो ड्यूक हम बात कर रहे हैं जिसकी, उसका पैलेस है, उसका महल है। और ये जो सिटी है वो नॉर्दर्न इंग्लैंड इटली में है। और यहाँ पर भी उस पैलेस में भी एक गैलरी में, जहाँ पर उस ड्यूक का प्राइवेट कलेक्शन है, वहाँ पर ये बातचीत हो रही है। और आगे फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में है, ये हम पढ़ चुके हैं। राइम और मीटर जो है 56 लाइन है, और 56 लाइन में दो दो लाइंस के पेयर बनाए गए हैं जोड़े, और हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में जो दो दो लाइन के कपलेट्स बनाए जाते हैं उनको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर दो दो लाइन के जोड़े, तो 28 हीरोइक कपलेट्स में ये पोएम लिखी हुई है, जिससे कि ये जो राइमिंग है ना, इससे मेलोडियस बन जाते हैं स्टेंजाज जो हैं। और जैसे राइम स्कीम अगर देखी जाए तो वॉल कॉल, हैंड स्टैंड्स, मीट रिपीट, ऐसे वर्ड्स हमें देखने को इसमें मिलेंगे राइम स्कीम। पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारी हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, असोनेंस, एंजैबमेंट, सिमिली, यूफेमिज्म, सिम्बोलिज्म, आइनी, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, हाइपरबल एक्सेट्रा, बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हमें इनमें देखने को मिलेगी। तो हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ फेरेरा। ये टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव है इटालियन रेनेसा का, यानी कि पुराने ज़माने में जो खड़ूस जैसा होता था ना, ऑनर्स वगैरह, वैसा कुछ है। ये ग्रीडी है, विडोर है, टायरेंट है, क्रूअल है, सेल्फ लविंग है, जेलस हस्बैंड है। ये खुद पे प्राउड भी करता है लेकिन इनसिक्योर भी है। उसका नेचर जो है वो डिक्टेटोरियल है, और किलर है अपनी वाइफ का, इमोशनली कोल्ड है और मटेरियलिस्टिक है। यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ हमें एक ड्यूक में देखने को मिलेंगी, जबकि डचेस जो है वो एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक पेंटिंग बनी हुई है उसकी, उसके थ्रू और ड्यूक के डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें इसके नेचर के बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि एक काइंड हार्टेड थी, फ्रैंक थी, चार्मिंग थी, चेयरफुल थी, खुश रहने वाली, इनोसेंट थी, अनकरप्टेड, यानी कि इसको कोई लेना देना नहीं था दुनिया की चीज़ों से, इसको खुद खुश रहना था बस। और तीसरा जो मैसेंजर आया है, तो इसको पैसिव लिसनर भी कहा जाता है, कई कई जगह इंटरलॉक्यूटर कहा जाता है, एमिसरी, एनवॉय, मैसेंजर, ये सारे वर्ड्स इसके लिए आते हैं। तो हम पोएम की तरफ मूव करते हैं जिससे हम बेटर समझ पाएं इन सब चीज़ों को। तो पोएम यहाँ से शुरू होती है, एब्रप्ट बिगिनिंग है एक तो, कि कोई बैकग्राउंड नहीं है और डायरेक्ट यहाँ पर बात बोली जा रही है कि दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, कि ये मेरी
पुरानी वाली पहली पत्नी है जो कि पेंट की हुई है वॉल पे, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और ये ऐसी दिख रही है मानो कि ये जिंदा है। तो ये बातें बोल रहा है ड्यूक ऑफ फेरेरा और उस मैसेंजर को बोल रहा है जो दूसरी लड़की का रिश्ता लेकर आया है इसके लिए। तो यहाँ पर सिमिली है, एस का यूज़ क्या है और कंपैरिजन क्या है पेंटिंग में और जो जिंदा डचेस थी उसमें। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड वर्क बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स, कि मैं इसको क्या बुलाता हूँ, ए पीस ऑफ वंडर बुलाता हूँ, कि ये आश्चर्य की प्रतिमा है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ ने इसको क्या किया है, एक दिन में बनाया है, एंड देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ पर वो खड़ी है कि जैसे कि वो जिंदा है। तो एक्फ्रेसिस नाम की एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एक्फ्रेसिस का मतलब बहुत, कोई लिटरेरी पीस हो जैसे कि कोई पेंटिंग हो या कोई मार्बल की मूर्ति हो, अर्न हो, तो ऐसी कोई चीज़ का लिटरेरी डिस्क्रिप्शन देना या लिखित में देना, कोई भी चीज़ ऐसी जो आर्ट से रिलेटेड हो उसका, तो यहाँ पर एक्फ्रेसिस होगा। और यहाँ पर ड्यूक के नेचर का भी हमको पता चलता है कि उसने फ्रा पेंडोल्फ नाम का जो एक पेंटर है, ये मॉन्क था, मॉन्क का मतलब संत, साधु सन्यासी। तो एक तो पहली बात उसने ऐसा पेंटर चुना कि जो साधु सन्यासी हो, जिसको वर्ल्डली अफेयर्स में कोई मतलब ना हो। दूसरा, उसने एक ही दिन दिया कि कितना वो अपनी वाइफ के लिए पजेसिव था कि उसको कोई ऐसा मिला नहीं, ऐसा पेंटर जिसको वो एक से ज़्यादा दिन दे सके। आगे है, विल प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, कि क्या कृपया बैठेंगे और इसको देखेंगे। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, कि मैंने बाय डिज़ाइन का मतलब जानबूझकर कहा, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेंस, कि मैंने फ्रा पेंडोल्फ का इसलिए नाम लिया क्योंकि एमिसरी के जैसे या उस मैसेंजर के जैसे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं, उस पिक्चर्ड जो डचेस है उसकी तरफ देखते हैं, एंड डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, और इस पेंटिंग पे जो पैशंस बने हुए हैं या ये जो इमिटेशन की हुई है मेरी डचेस की, और इसके अर्नेस्ट ग्लैंस को देखते हैं, यानी कि ये जो चमक है, शाइन है इसके फेस पे, उसको देखते हैं। तो बट टू माई सेल्फ दे टर्न, कि वो मेरी तरफ मुड़ते हैं, इसको देखने के बाद में वो मेरी तरफ मुड़ते हैं, किसकी तरफ, ड्यूक की तरफ। और क्यों, फिर ब्रैकेट में कह रहा है, सिंस नन पुट्स By the curtain I have drawn for you but I, कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पेंटिंग किसी को दिखा सके, मतलब ये पर्दा जो है ना पेंटिंग के सामने से, उसको मैं ही हटा सकता हूँ और कोई भी नहीं हटा सकता। आगे वो कह रहा है, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, कि जब वो उस पेंटेड काउंटेंस को देखते हैं, पेंटेड डचेस को देखते हैं, तो वो ऐसा लगता है मुझसे पूछेंगे, इफ़ देयर ड्यूरेस्ट, अगर उनकी हिम्मत हुई तो क्या पूछेंगे, हाउ सच अ ग्लैंस कम देयर, कि ऐसी चमक कैसे आई आपकी डचेस के चेहरे पे। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस, कि आप पहले नहीं हैं जो मेरी तरफ मुड़ रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर वो आंसर कर रहा है इस क्वेश्चन का, तो हमें ड्यूक की बातों से ही पता लग रहा है कि जो मैसेंजर है उसने ऐसे कोई क्वेश्चन भी पूछे हैं, हालांकि मैसेंजर कुछ भी नहीं बोल रहा, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का फॉर्मेट हमारे सामने आ रहा है। तो आंसर कहता है, सर इट वॉज़ नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से ही ये चमक नहीं आई है। कॉल द स्पॉट ऑफ जॉय इन टू डचेस चीक, कि ये जो स्पॉट ऑफ जॉय यानी कि ये जो लाली है, ये जो चमक है उसके चेहरे पे, ये उसके चीक्स पे, ये उसके हस्बैंड की यानी कि ड्यूक के प्रेजेंस की वजह से ही नहीं आई। परहैप्स शायद ऐसा हुआ, फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, कि फ्रा पेंडोल्फ को कोई मौका मिला क्या कहने का, हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज़ रिस्ट टू मच, कि उसका जो गारमेंट है, पुराने ज़माने में एक शॉल जैसे ओढ़े जाते थे लेडीज़ के द्वारा, तो उसने डचेस की रिस्ट को बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, शायद फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा कहा होगा। और या फिर क्या कहा होगा, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट, कि या फिर फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसी भी कोई बात कही होगी कि उसकी पेंटिंग में इतनी हिम्मत नहीं है या इतनी ताकत नहीं है
कि वो जो उसके चेहरे में जो चमक है उसको रिप्रोड्यूस कर सके, यानी कि उसको दोबारा रिक्रिएट कर सके। जो हल्की हल्की चमक है, हल्की हल्की लालिमा है उसके चेहरे पे, जो उसके थ्रॉट तक ख़त्म हो जाती है जाकर, तो उसको वो दोबारा पेंट नहीं कर सकता। सच स्टफ वॉज कर्टसी, कि ये लोगों का ऐसा कहना, तो ये कर्टसी होती है, सम्मान होता है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड कॉज एनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और ऐसा सोचकर उसने शायद मुस्कुरा दिया होगा और उसकी वजह से उसके फेस पे ये चमक आ गई होगी। फिर आगे कहता है, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, कि उसका ऐसा दिल था, मैं क्या बताऊँ, टू सून मेड ग्लैड, कि बहुत जल्दी ही खुश हो जाता था, टू ईजीली इम्प्रेस, और बहुत जल्दी लोगों से इम्प्रेस हो जाता था। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुकड ऑन, वो जो भी देखती उसको वो सब चीज़ें पसंद आती, एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो आँखें हैं, नज़रें हैं, लुक्स हैं, वो हर तरफ जाते, मतलब वो हर तरफ देखती रहती। कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा डरती हो ड्यूक के ऐसे डोमिनेटिंग नेचर से, कि उसको हर तरफ डर लगा रहता हो कि पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाए। लेकिन उसने अपने डचेस के बारे में सारे नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पर बताए हैं, और ये जो लुक्स आया है कि उसके लुक्स हर तरफ चले गए, तो ये हाइपरबल का एग्जांपल होगा, क्योंकि लुक्स ऐसी चीज़ है जो कहीं भी नहीं जा सकते, हर जगह एवरीवेयर जो कह रहा है यहाँ पर। फिर आगे है, सर इट वाज ऑल वन, कि ये सब एक जैसा था, क्या एक जैसा था, माय फेवर एट हर ब्रेस्ट, कि मैंने जो उसके ऊपर एहसान किए थे, अब यहाँ पर एहसान वो कह रहा है कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी उसको गिफ्ट की थी, जो उसने अपने चेस्ट पे वियर की हुई थी, अपने नेक पे वियर की हुई थी, तो वो उसके लिए बराबर था। किसके बराबर, ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, कि सनसेट का होना, वो भी उसके लिए उस ज्वेलरी के खुश होने के बराबर था। कि जब मैंने उसको ज्वेलरी दी, जब वो इतना खुश हुई, तो उतना ही खुश वो तब भी होती जब सनसेट होता, या फिर द बो ऑफ चेरीज, सम ऑफिशियस फूल्स ब्रोक इन ऑर्चर्ड फॉर हर, कि या फिर कोई ऑर्चर्ड से, कोई गार्डन से उसके लिए चेरीज लेकर आता, एक बंच लेकर आता चेरीज का, तो भी वो उतना ही खुश होती, या फिर जब वो टेरिस पे अपने सफ़ेद घोड़े पे सवारी कर रही होती, तब भी वो उतना ही खुश होती। द वाइट म्यूल शी रॉड विद राउंड द टेरिस, तो इसका मतलब अपने सफ़ेद घोड़े पे सवारी कर रही होती। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, कि उसके लिए ये सभी चीज़ें सिमिलर थी, ऑल अलाइक मतलब सब चीज़ें एक इक्वल थी, उसने डिस्क्रिमिनेट करना सीखा ही नहीं, और ब्लश एटलीस्ट, और या फिर कम से कम वो शर्मा तो जाती, अगर कुछ बोलती नहीं ना तो शर्मा के वो मुस्कुरा ज़रूर देती। शी थैंक मैन गुड, कि वो लोगों को धन्यवाद करती थी, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। शी थैंक मैन गुड बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ, एज इफ शी रैंक्ड माय गिफ्ट ऑफ 900 ओल्ड ईयर्स ओल्ड नेम विथ एनीबडीज़ गिफ्ट, कि वो लोगों को धन्यवाद करे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसने मेरे 900 साल पुराने नाम को किसी के गिफ्ट के साथ में कैसे कंपेयर किया, ये मुझे नहीं समझ में आया कि वो सब चीज़ें इक्वली कैसे ट्रीट कर सकती है, इसके लिए मैं डाउटफुल हूँ। फिर आगे कह रहा है, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, कि ऐसी ट्रिफलिंग का मतलब होगा बचकानी, ठीक है, चाइल्डिश एक्ट, तो और स्टूप का मतलब होगा झुकना, कि कौन झुकेगा ब्लेम करने के लिए ऐसी बचकानी बातों को, कि ऐसी बचकानी बातों को ब्लेम करने के लिए कौन झुकना पसंद करेगा। ये रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी झुकना पसंद नहीं करेगा। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, कि अगर आप बोलने में बहुत स्किल्ड हो, विच आई हैव नॉट, कि मैं तो स्किल्ड नहीं हूँ, कि पूरे लाइन में शुरू से लेकर एंड तक वो बोले जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि मैं स्किल्ड नहीं हूँ, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से, कि अपनी इच्छा को आप बताएं सामने वाले को, और कहें, क्या कहें, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ट मी, कि ये चीज़ और या फिर वो चीज़ तुम्हारी मुझे डिस्कस्ट, यानी अच्छी नहीं लगती है, परेशान करती है। हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, कि या तुम ये चीज़ मिस कर रही हो या फिर ये चीज़ तुमने ज़्यादा कर दी। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, और या फिर अगर वो तुम्हारे कहने से सीख भी जाती,
nor plainly set her wits to yours for soothe and make excuse. तो वो क्या करती कि तुम्हारी विट्स, तुम्हारी बुद्धि के साथ में वो अपनी जो विजडम है उसको मिक्स नहीं करती, बल्कि वो क्या करती, मेड एक्सक्यूज़, वो बहाने बनाती. इवन दैट वुड बी सम स्टोपिंग. और ये उसके बहाने सुनना, एक्सक्यूज़ को सुनना, ये भी क्या होगा, ये भी झुकने के बराबर ही होगा. एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, लेकिन मैं तो कभी झुकना पसंद ही नहीं करता. तो ये जो उसका एरोगेंस है उसको बता रहा है बार बार में वो खुद ही अपने स्पीच से. तो एलिट्रेशन जो है वो सम स्टूपिंग में आ जाएगा. फिर आगे है, ओ सर शी स्माइल्ड, नो डाउट, कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि उसने स्माइल की. ठीक है, वो स्माइल करे. वेन एवर आई पास्ड हर, कि जब भी मैं उसके पास से जाता था वो स्माइल करती थी. ठीक है, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, कि लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जो उसके पास से गुजरा हो और उसने सेम स्माइल ना दी हो. तो ये दिस ग्रू, आई गेव कमांड्स, ये चीज़ें बढ़ती रही और मैंने ऑर्डर्स दिए, कमांड्स दिए. देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, कि और जितनी भी स्माइल्स थी उसकी वो सारी की सारी स्टॉप हो गई, एक साथ बंद हो गई. तो यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ लाइन है ना, आई गेव कमांड से लेकर स्माइल स्टॉप टुगेदर, ये यूफेमिज्म का एग्जांपल है. यूफेमिज्म का मतलब किसी बुरी बात को भी बहुत अच्छे वे में बोलना, कि उसने ऑर्डर्स दिए किसके, उसको मार डालने के, और उसकी सारी की सारी स्माइल्स बंद हो गई, मतलब उसको मरवा दिया उसने. तो ये यूफेमिज्म है कि अपना जो ऑर्डर्स हैं, अपने ऑर्डर्स हैं उसको भी उसने बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया है. और अलिट्रेशन हो जाएगा स्माइल और स्टॉप में. सिनेडकी, ये जो स्माइल है ना, ये डचेस के लिए आ जाएगा. तो एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिए प्रेजेंट करना सिनेडकी होता है. देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और यहाँ पर वो खड़ी है जैसे कि मानो जिंदा हो. विल प्लीज़ यू राइज, वी विल मीट द कंपनी बिलो, कि अब आप उठ जाइए. अब वो फिर से ऑर्डर दे रहा है मैसेंजर को कि आप उठने का कष्ट करेंगे, हम जो बाकी कंपनी है यानी कि जो मेरे बाकी वर्कर्स हैं या मेरे जो दरबारी हैं उनसे नीचे मिलेंगे. देन आई रिपीट, मैं फिर से कहता हूँ, द काउंट योर मास्टर, कि जो काउंट है या आपके मास्टर हैं जिनकी बेटी का आप रिश्ता लेकर आए हैं, नॉन म्यूनिफिसेंस इज़ एम्पल वारंट, कि उनकी बात ही मेरे लिए क्या है, एक गारंटी है. नॉट जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड ऑफ डाउरी विल बी डिसअलाउड, कि ये मैं जेनरोसिटी मान सकता हूँ, उनकी उदारता मान सकता हूँ, कि मेरी जो डाउरी है, मेरा जो दहेज है विल डिसअलाउड, कि ये डिसअलाउ नहीं करेगा, मतलब मुझे दहेज मिलेगा, बहुत अच्छा खासा दहेज मिलेगा. तो इससे उसकी ग्रीडीनेस जो है वो शो हो रही है कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी था ड्यूक जो है. फिर आगे कहता है, दाउ हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अवॉर्ड एज स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट, हालांकि फिर भी वो कहता है कि उनकी जो सुंदर बेटी है, एज अवॉर्ड, मैंने जैसे पहले कहा कि एज स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट, कि वो मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कह रहा है एक ह्यूमन बींग को, फिर से वो किसी चीज़ की तरह, किसी ऑब्जेक्टिव की तरह वो ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है. और कंक्लूडिंग लाइंस हैं उसमें, कहता है, ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, कि अब हम, ने का मतलब नाउ, वी विल गो टुगेदर डाउन, अब हम दोनों इकट्ठे ही या साथ ही नीचे जाएंगे. सर नोटिस नेपच्यून, कि आप देखिए, नोटिस और नेपच्यून में लिट्रेशन है, और आप नेपच्यून को देखिए. दाउ टेमिंग अ सी हॉर्स, कि वो क्या कर रहा है, टेम यानी कि पाल रहा है या कंट्रोल कर रहा है ए सी हॉर्स, एक सी हॉर्स को, जो नेपच्यून है वो रोमन गॉड ऑफ सी है. तो यहाँ पर एल्यूजन भी है कि पुराने जो ग्रीक लिटरेचर है उससे ये एग्जांपल उठाया हुआ है. और यहाँ पर सिंबॉलिज्म भी आ सकता है कि नेपच्यून जो है वो ड्यूक का सिंबल है और सी हॉर्स जो है वो डचेस का सिंबल है. तो सी हॉर्स को जो कंट्रोल कर रहा है यानी कि डचेस को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, ड्यूक है. थॉट अ रेरिटी, कि आप इसको समझिए कि एक बहुत रेयर स्टैचू है. विच क्लॉस ऑफ इंसब्रूक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, कि क्लॉस ऑफ इंसब्रूक ये एक स्कल्पचर का नाम है जिसने स्पेशली मुझे या मेरे लिए ये ब्रॉन्ज नाम की जो मेटल है उसमें मेरे लिए ये बनाया है. तो यहाँ पर आकर ये सारी बातें फिनिश होती हैं और
इन सब से हमें लास्ट में यही सीखने को मिलता है कि ड्यूक का नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा और आगे आने वाली वाइफ को भी वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। एक और चीज़ है जो यूफेमिज्म आया था, दिस क्रू आई गेव कमांड्स एंड ऑल द स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, तो इसमें जो रॉबिन्सन है वो कहते हैं इसको, उन्होंने एड्रेस किया है कि ट्रेजेडी इन फाइव वर्ड्स, कि पांच शब्दों में ये जो ट्रेजेडी हुई है किसके साथ में, डचेस के साथ में, एज वैसे उन्होंने रॉबिन्सन ने डिफाइन किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आकर हमारी ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपने समझा होगा, एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।